नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज आपको हम बताने जा रहे हैं माइग्रेशन सर्टिफिकेट कैसे डाउनलोड करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेंगे। सबसे पहले तो हम बताते हैं आपको अप्लाई कैसे किया जाएगा। अप्लाई करने के 24 घंटे बाद उसको हम लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम जो है सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी से MA किए हुए हैं, तो हम वहाँ का माइग्रेशन सर्टिफिकेट निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे जो है सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी का पहले खोल लेंगे, चाहे जिस भी यूनिवर्सिटी से आप किए हो, DDO का हो चाहे सिद्धार्थ का हो, तो फिर वहाँ का हम लोग खोल लेंगे। और उसके बाद से फिर स्टूडेंट कॉर्नर पर जाएँगे। ये यहाँ है स्टूडेंट कॉर्नर। फिर यहाँ जाने के बाद यहाँ दे रहा है अप्लाई फॉर माइग्रेशन। यहाँ क्लिक करेंगे। यहाँ क्लिक करने के बाद यहाँ दे रहा है अप्लाई फॉर प्रोविजनल डिग्री एंड अप्लाई फॉर माइग्रेशन सर्टिफिकेट। तो हमें डिग्री पर ना क्लिक करके माइग्रेशन सर्टिफिकेट पे क्लिक करना है। तो यहाँ सबसे पहले फर्स्ट स्टेप है फीस पेमेंट करना। उसके बाद से एप्लीकेशन जो है आपको जो है उसमें फिल करने के लिए देगा। तो सबसे पहले हम लोग क्लिक टू फी करते हैं। यहाँ फी पेमेंट करने के बाद इसमें जो है अपना डेट, DOB, यहाँ देखिए टर्म एंड कंडीशंस है, यहाँ ऐसे आप प्रोसीड करेंगे सही कर ट्रिक लगा के। प्रोसीड करने के बाद यहाँ पे आएगा पेमेंट कैटेगरी। तो यहाँ जो है ये तीन चीज़ें दे रहा है, अप्लाई फॉर चैलेंज इवोल्यूशन, फिर प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट एंड माइग्रेशन, तीसरा है विविंग एंसर बुकलेट RTI। तो इन तीनों को छोड़ के हमें जो है क्लिक करना है प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट माइग्रेशन पे। तो यहाँ क्लिक करते हैं। यहाँ क्लिक करने के बाद ये हमारा यहाँ इनरोलमेंट नंबर भरा जाएगा, फिर यहाँ कैंडिडेट का नाम, फिर फादर नेम, कैंडिडेट का DOB, मोबाइल नंबर जो चालू हो, क्योंकि लॉगिन करते टाइम इस पर OTP आएगा, फिर ईमेल ID, और यहाँ पे फिर फीस पेमेंट होगा। और यहाँ रिमार्क में कुछ नहीं भरना है, इसे छोड़ दीजिए खाली। फिर यहाँ नेम, फिर DOB, फिर मोबाइल नंबर, फिर ईमेल ID जो आप ऊपर डाले रहेंगे वही चीज़, और फिर कैप्चा कोड यहाँ पड़ जाएगा, ये कैप्चा कोड यहाँ पड़ जाएगा। फिर इसको जो है सबमिट कर लिया जाएगा। सबमिट करने के बाद वो प्रिंट आपका जो है निकल जाएगा, प्रिंट आउट निकाल लीजिए, चाहे सेव कर लीजिए डॉक्यूमेंट में। सेव करने के बाद फिर हम लोग आते हैं, उसे 24 घंटे बाद निकलेगा, डाउनलोड होगा आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट। तो चलिए हम लोग डाउनलोड कर लेते हैं। हम अपना निकाले हुए हैं तो इसलिए हम निकालेंगे नहीं, बस आपको दिखा दे रहे हैं वेबसाइट कौन सा है। यहाँ पे सर्च करेंगे, ये देखिए यहाँ पे सर्च करेंगे sukasn.migrationcertificate.download। यहाँ क्लिक करने के बाद एक जो है खुलेगा पेज, यहाँ देखिए अप्लाई फॉर माइग्रेशन सर्टिफिकेट, यहाँ क्लिक करेंगे। यहाँ क्लिक करने के बाद यहाँ जूम करके दिखा रहे हैं, यहाँ क्लिक करने के बाद आपको रोल नंबर डालना होगा जो MA के सर्टिफिकेट में होगा या BA के, फिर यहाँ रोल नंबर पड़ेगा, ईमेल एड्रेस जो आप डाले होंगे, फिर पासवर्ड। पासवर्ड उतने टाइम को बनाने के लिए देता है जब अप्लाई करेंगे। तो जब फीस पेमेंट करने के बाद आगे प्रोसीड करेंगे तो वहाँ पे ऑप्शन आएगा, फिर पासवर्ड आप डालेंगे, फिर आपका जो है साइन इन हो जाएगा। तो हम आपको करके दिखा रहे हैं। यहाँ रोल नंबर मेरा ऑलरेडी पड़ा हुआ है तो यहाँ पे आ जाएगा ये रोल नंबर, ईमेल एड्रेस, फिर पासवर्ड। फिर यहाँ हम लोग यहाँ साइन इन कर लेंगे।
साइन इन करने के बाद फॉर एप्लीकेशन प्रिंट यहाँ क्लिक करेंगे। यहाँ क्लिक करने के बाद ये आपका जो है ओपन होकर आ गया। फिर यहाँ पे सेव कर लेंगे, गूगल ड्राइव में ये सेव होगा ऑटोमेटिक अगर आपके में सेटिंग होगा तो। यहाँ सेव हो जाने के बाद ऐसे ये ओपन हो जाएगा पेज। अब ये देखिए मेरा जो है मार्गदर्शन सर्टिफिकेट तैयार। अब इसका प्रिंट आउट निकाल के आप जहाँ मन करें वहाँ यूज कर सकते हैं। अपने पास रखिए, आपका मार्कशीट है, आपका डिग्री है तो आप अपने पास ही रखें। और इतना सब कुछ ये फाइनली हो जाएगा आपका, और इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं होगा, ना ज़्यादा वक्त लगेगा, ना ज़्यादा मेहनत कोई है। बस एक बार आने जब जानकारी हो जाएगा तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि फिर हम आपके लिए नया वीडियो लेकर आ सकें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।